तो गाइस ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, आपने आई होप कर लिया होगा, और नहीं कराया तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर करेंगे, पहले सुन लीजिए। एरिया दिया है वो सर्कल का, वो कितना दिया है 9 पाई दिया है, और आपको फाइंड करना है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, भुजाएँ समान है, तो इसकी साइड बतानी है आपको, ठीक है। तो कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है मैं एक वर्टिक्स खींच लेता हूँ, ठीक है, जो इसके सेंटर से होते हुए जाएगी ऑब्वियसली, और दूसरी बात ये है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया, जीवा नहीं है ये, बट ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इतना मेरे को पता है, बट इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये बात की बात है। तो सर्कल का एरिया दिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो कितना दिया है आपको 9 पाई दिया है, ठीक है। पाई से पाई कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। तो रेडियस कितनी होगी, 3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 हो गया, क्लियर। चलो ये तो ईजी हो गया ना, तो इसकी जो साइड जो हाइट आ गई ट्राइंगल की, वो हाइट कितनी है, 6 है, हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई ना, तो हाइट कितनी आ जाएगी, सॉरी ये हाइट आ गई ना इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो साइड आ जाएगी ए, वो कितनी आ जाएगी, वो वैसे डायरेक्ट मेरे को पता है क्या होता है कि 6 में मैं √3 से भाग लगाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12/√3 आ जाएगी, बट मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, √3/2 a होता है ना। तो यहाँ पे आपको हाइट दिया 6 सेंटीमीटर, और ये जब लगाओगे √3/2 a बराबर 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 12/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो यहाँ पे आई है, तो हम इसे क्या करेंगे, 4 × √3 √3 से ये 3 कितनी बार कट जाएगा, √3 टाइम, तो 4√3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये आप एक बार और देख लेंगे, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा गहरी चीज़, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सवाल काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, बाय।